Today we discuss about the function of basal ganglion. Basal ganglia का क्या क्या function होता है? In the previous lecture, we discussed about the external features of the basal ganglia. Now, in the second video, we discuss about the functional aspect and its neuronal circuits. What are the connections? Afferent and efferent connections. First of all, the function. The function of this is, it is concerned with planning and programming. Voluntary movement. Second function is it determine. क्या determine करता है? How rapid a movement is to be performed. Third function क्या है इसका? It decrease the muscle tone. So, with the decreased muscle tone, it inhibit the unwanted. So, it inhibit unwanted movements. Unwanted movements को ये stop करता है during voluntary act. Okay? नंबर चार एक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट मसल टोन को रेगुलेट करता है, जिस कारण क्या होता है? स्मूथनिंग द वॉलेंट्री मूवमेंट. इफ इट रेगुलेट द मसल टोन, सो वॉलेंट्री मूवमेंट बिकम्स स्मूथ. और क्या करता है ये? इट कंट्रोल, ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑटोमैटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग. हम जब चलते हैं तब हमारे आर्म्स जो होते हैं वो उसके साथ साथ मूव करते हैं, तो उनको कंट्रोल करता है. एक्सेसिव स्विंगिंग नहीं होनी चाहिए, या ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल भी स्विंगिंग नहीं हो. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया. एक तो क्या करता है? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. वॉलंट्री मूवमेंट्स कैसे प्लान होगा और उसको फिर प्रोग्रामिंग करना, उसका प्लान करके प्रोग्राम करना. फिर ये डिटरमाइन क्या करता है कि हाउ रैपिड अ मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म. एक मूवमेंट कितना रैपिड होना चाहिए, एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए और स्लो भी नहीं होना चाहिए, तो वो उसको डिटरमाइन करता है. दूसरा, ये मसल टोन को डिक्रीज करता है एंड इनहिबिट द अनवांटेड मूवमेंट्स ड्यूरिंग वॉलेंट्री एक्ट. ठीक है, आप कुछ भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रहे हैं, उस वॉलेंट्री मूवमेंट्स के दौरान कोई भी अनवांटेड मूवमेंट नहीं होने चाहिए. ओके, तो वो इसको कंट्रोल करता है कि अनवांटेड मूवमेंट नहीं हो. तीसरा क्या करता है? ये हमारी मूवमेंट्स को, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, उसको स्मूथ करता है. कैसे? मसल टोन को रेगुलेट करके. पांचवा क्या काम करता है? जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं उनके साथ जो ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स हैं, दे आर ऑटोमेटिक, तो उनको कंट्रोल करता है. ओके, सो इस सब को करने के लिए एक सर्किट होता है इसका, कि कैसे ये प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग और इन सब एक्टिविटीज को करता है. तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द इट्स इफरेंट एंड एफरेंट पाथवे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्ट्राइटम मींस कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन. इट इज मेनली एफरेंट पाथवे. सो it is mainly efferent, so it receives efferents from cerebral cortex से आता है,
इट रिसीव्स द एफरेंट्स फ्रॉम, थैलेमस से आता है, इट रिसीव्स द एफरेंट फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन में होता है जहां पे डोपामीन का प्रोडक्शन होता है. तो इट रिसीव्स एफरेंट्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फ्रॉम द थैलेमस एंड फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा. स्ट्राइटम मींस कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन. थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्ट्राइटम द पाथवे, द नेम ऑफ दैट पाथवे इज सेरिब्रो स्ट्राइट फाइबर्स. द फाइबर्स विच कमिंग टेकिंग द सिग्नल्स फ्रॉम थैलेमस टू स्ट्राइटम, थैलेमो स्ट्राइट फाइबर्स एंड द फाइबर्स विच कमिंग फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा टू द स्ट्राइटम नोन एज द नाइग्रो स्ट्राइट फाइबर्स. ओके, नाइग्रो स्ट्राइट फाइबर्स दे कैरी एज प्रीवियसली डिस्कस डोपामीन. दे कैरी डोपामीन विच इज इनहिबिटरी टू कॉर्पस स्ट्राइटम. तो दीज आर द एफरेंट्स. Now, from the striatum, all signals, they will pass to the globus pallidum. Okay? And globus pallidum is mainly a efferent pathway. So, globus pallidus, it will convey the signals, yeah, fibers, to the thalamus. Efferent will go from the globus pallidus to the thalamus, and from the thalamus then signal will go to the cerebral cortex. Okay, substantia nigra also gives their efferent to the thalamus, and from thalamus signals will go to the corpus striatum. Globus pallidus also give their efferent to the sub thalamic nucleus. It is also efferent and it also receive efferent from the subthalamus, interconnecting with each other. So globus pallidus will give its efferent to the thalamus, and from thalamus signal will go to the premotor and motor cortex area of cerebral cortex. Substantia nigra also give their signals, their efferent fibers, to the thalamus, and from thalamus it will reach to the premotor and motor cortex area of cerebral cortex. And cerebral cortex, then in turn cerebral cortex will give their signal to the brain stem and spinal cord. The name of tract is cerebrospinal, which will come from the cerebral cortex motor area to the spinal cord and cerebronuclear. Nuclear tract, pyramidal tract. Okay, so these are the efferent and efferent pathway of the complete basal corpus striatum. Okay, so what happen, the information जो होती है it is integrated. जो भी information होती है वो integrate होती है corpus, sorry ये हाँ corpus striatum में, and outflow passes from the globus through the globus pallidus again back to the
सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने कॉर्पस स्ट्रैटम को पूरी इन्फॉर्मेशन दी, वॉट एवर द एक्टिविटी उसको करवानी है, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग हुआ, और उस प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग कैसे गवर्न करनी है, कैसे उसको एक्ट करना है, ग्लोबस पैलिडस के थ्रू इट विल अगेन थ्रू द थैलेमस इट विल पास टू द प्री मोटर और मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, एंड दिस प्री मोटर एरिया एंड मोटर एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स से दैट इन्फॉर्मेशन विल गो वाया द कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर पिरामिडल ट्रैक टू द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड थ्रू दैट एक्शन विल डू वॉलेंट्री मूवमेंट विल अकर, पर्टिकुलर वॉलेंट्री मूवमेंट विल अकर। सो थ्रू दिस सर्किट वी कैन से द एक्टिविटी ऑफ द बेसल गेंग्लिया इज इनिशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम हायर सेंटर मीन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ओके, तो दिस कॉर्पस स्ट्राइटम या बेसल गैंग्लियन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हायर सेंटर है, इसके कमांड के बिना ये काम नहीं करेगा, वो इसको कमांड देगा व्हाट एक्टिविटी ही हैज टू डू, ही हैज इटसेल्फ डू द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड अकॉर्डिंगली विल डू द एक्टिविटी अगेन थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग करके वो अगेन सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स विल कमांड फर्दर टू द कंसर्न्ड पाथवे एंड मूवमेंट्स विल अकर। ओके, तो एक्टिविटी ऑफ द बेसल गैंग्लियन इज इनिशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स थैलेमस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, आउटफ्लो फ्रॉम द बेसल गैंग्लियन इज चैनल्ड थ्रू, इट विल पास थ्रू द ग्लोबस पैलिडस, ओके, विच अगेन इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ मोटर एंड द प्री मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स देन व्हाट मोटर कॉर्टेक्स विल डू, इट विल कंट्रोल द मोटर एक्टिविटी, दिस इज द मोटर एक्टिविटी, दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स विल कंट्रोल द मोटर एक्टिविटी थ्रू सेरिब्रो स्पाइनल एंड द सेरिब्रो न्यूक्लियर पिरामिडल ट्रैक। सो बेसल गैंग्लियन वी कैन से इट कैन कंट्रोल, इसी ने कंट्रोल किया है इस मूवमेंट को, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया है, इट कैन कंट्रोल द मस्कुलर मूवमेंट्स किसके थ्रू, बाय इन्फ्लुएंसिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेदर देन डायरेक्टली। ये कॉर्पस स्ट्राइटम डायरेक्ट पिरामिडल ट्रैक को ऑर्डर नहीं कर रहा है कि यू डू एंड कंट्रोल द वॉलंट्री मूवमेंट, जबकि वॉलंट्री मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, दिस पिरामिडल ट्रैक, बट ही हैज नो राइट टू गिव डायरेक्ट कमांड टू दिस। ओके, दिस बेसल गैंग्लिया कॉर्पस स्ट्राइटम विल गिव द कमांड, गिव द सिग्नल टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स हायर सेंटर विल गिव द कमांड टू दिस, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मोटर एक्टिविटी विल परफॉर्म। ओके, तो इफ दिस बेसल गैंग्लियन इज डैमेज, ओके, तो व्हाट विल लीड टू, इट विल लीड टू द डिस्टर्बेंस इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो क्या होगा, अभी हमने आपको बोला था कि क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, इट इनहिबिट द मसल टोन, सॉरी इट इनहिबिट द मसल टोन सो इनहिबिट द अनवांटेड मूवमेंट। तो ये सब एक्टिविटीज इफ दिस बेसल गैंग्लियन डैमेज इट विल लीड टू ऑल दीज एक्टिविटीज विच वर द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लियन। सो अनवांटेड मूवमेंट्स विल अकर, अनवांटेड मूवमेंट्स ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स दे विल अकर, मसल टोन विल इंक्रीज, स्मूथनिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं होगा, ओके, जर्क्स आएंगे मूवमेंट्स में और टोन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज टोन के कारण क्या होगा, इट विल लीड टू द रिजिडिटी, ओके, रैपिड मूवमेंट्स को जो डिटरमाइन कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, तो मूवमेंट्स विल बिकम्स रैपिड मूवमेंट्स एंड ही कैन नॉट कंट्रोल ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट जस्ट लाइक स्विंगिंग ऑफ द आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग। ओके, तो आर्म शुड बी अडॉप्टेड, ओके, ही कैन नॉट स्विंग द आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग इफ बेसल गैंग्लिया इज डैमेज। सो सम डिसऑर्डर्स विल अकर इफ बेसल गैंग्लिया डैमेज,
दे आर नेमली पार्किंसोनिज्म, इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरल डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया. और क्या होता है बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर से? कोरिया, एथिटोसिस ऑल्सो अकर एंड बेलिसमस. दे ऑल आर द न्यूरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ द या डिस्ट्रिक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लियन. आउट ऑफ ऑल दीज पार्किंसोनिज्म इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द बेसल गैंग्लियन. ओके, तो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पार्किंसोनिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो.